तोड़ मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत हैं तो भव सागर से पार। के गुरु के सिमरण मात्र से कि नाशत विघ्न अनंत, ताते शर्वारंभ में तो ध्यावत हैं सब संत। तो भूलिए सांचे दरबार की जय। श्री नगले निवास पर निवासी भगवान की समस्त प्यारी संगत को मेरा हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद जी। आज 21 मार्च सन 2022 का दिन और दिन सोमवार, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथि आज है, तृतीया भी और चतुर्थी भी। आज आप आशीर्वाद पाठ सुनेंगे। आज के सूर्य उदय का समय 6:23 और सूर्यास्त का समय 6:23। आज का राहु काल 7:53 प्रातःकाल में 9:23 पर समाप्ति होगी राहु काल की। 7:53 से 9:23 के बीच में कोई भी शुभ कार्य न करें। आज आशीर्वाद पाठ, कल आपने 79 पाठ सुना था जासूस को क्षमादान, और कल आपने एक बहुत प्यारा भजन सुना था जो हमारे आराध्य गुरुदेव दासन दास जी ने गाया था। और आज का भजन, जब गुरु महाराज जी पलंग पर विराजमान होकर चल रहे थे तो दासन दास से कहा कि ताज़ा ताज़ा भजन बनाइए और सुनाइए। तो दासन दास जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए उनके आशीर्वाद से उस समय क्या बनाकर गाया था, आइए आप भी सुनिए और अपने आप को महसूस कीजिए कि गुरु महाराज जी का पलंग भक्तों के कंधों पर विराजमान होकर गुरु महाराज जी यात्रा कर रहे हैं और हम भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसी भावनाएं अपने हृदय के अंदर धारण कीजिए और फिर इस भजन को सुनिए और साथ साथ गाइए, तो निश्चित ही आपको महसूस होगा कि आप भी नगली निवासी भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में उनकी यात्रा में सम्मिलित हैं। तो आइए आ गया सतगुरु प्यारा, होने आ गया प्रीतम प्यारा, आ गया सतगुरु प्यारा, होने आ गया प्रीतम प्यारा। युग युग दे विच सतगुर आया, युग युग दे विच सतगुर आया, भेद किसे ने मूल न पाया, भेद किसे ने मूल न पाया, त्रिगुण से है न्यारा, उन आ गया सतगुर प्यारा, त्रिगुण से है न्यारा, उन आ गया सतगुर प्यारा, आ गया सतगुर प्यारा, हुन आ गया सत प्रीतम प्यारा। दुखिए होकर भक्त पुकारन, दुखिए होकर भक्त पुकारन, रूप मनुषा सतगुरु धारण, रूप मनुषा सतगुरु धारण, पूरन पुरुष अपारा, हुन आ गया सतगुर प्यारा, पूरन पुरुष अपारा, हुन आ गया सतगुरु प्यारा, आ गया सतगुरु प्यारा, हुन
कौन आ गया प्रीतम प्यारा, दुनिया धंधे लोग बेचारे, दुनिया धंधे लोग बेचारे, बिन सतगुरु दे भूले सारे, बिन सतगुरु दे भूले सारे, छाया सी अंत गुबारा, उन्हें आ गया सतगुरु प्यारा, आ गया सतगुरु प्यारा, उन्हें आ गया सतगुरु प्यारा, प्रेम भक्ति का राह चलाया, सुत्तियां नो प्रभु आने जगाया, प्रेम भक्ति का राह चलाया, सुतियां नो प्रभु आने जगाया, संत रूप नो धारा, हुन आ गया सतगुर प्यारा, संत रूप नो धारा, हुन आ गया सतगुर प्यारा, आ गया सतगुर प्यारा, हुन आ गया प्रीतम प्यारा, कलयुग दे विच महिमा तेरी, कलयुग दे विच महिमा तेरी, दया धार विनती सुन मेरी, दया धार विनती सुन मेरी, दासन दास पुकारा, हुन आ गया सतगुर प्यारा, दासन दास पुकारा, हुन आ गया सतगुर प्यारा, आ गया सतगुर प्यारा, हुन आ गया सतगुर प्यारा। बोलिए साचे दरबार की जय। गुरु महाराज जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके नाम का जय जयकार हो रहा है, और दासन दास जी इस मधुर वाणी में इस भजन को तुरंत बना बना कर गा रहे हैं, और सब भक्त पीछे पीछे गुनगुना कर अपने मालिक की महिमा का गुणगान गा रहे हैं। कैसी उस समय का दृश्य कल्पना कीजिए, कितना आनंद उस समय के दृश्य में रहा होगा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हुए सतगुरु सेवा का फल, कबर पट में श्री महाराज जी की निज सेवा में स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी थे। एक रात को सत्संग की समाप्ति के बाद श्री महाराज जी विश्राम करने लगे, गुरुदेव के पलंग के पास नीचे धरती पर स्वामी परम ज्ञानानंद जी भी सो गए, और स्वामी परम जी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा, जिनके पूर्व आश्रम के सहपाठी ने स्वप्न में इनसे पूछा कि मैं पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, भला तुमने क्या पाया? इन्होंने जवाब दिया कि मैं बड़ी सरकार की नौकरी करता हूँ। उसने पूछा, तुम्हें तनख्वाह क्या मिलती है? ये स्वप्नावस्था में ही कमरे में झाड़ू लगाने लगे, और एक कोने में श्री महाराज जी के कमरे की चरण रज इकट्ठा करके बोले, मुझे ये वेतन मिलता है। उस लड़के के पास एक सोटी थी, उसने इनका मजाक उड़ाने के लिए उस चरण रज को अपनी सोटी से ऊपर फेंक कर कहा, तुझे ये तनख्वाह मिलती है, तुमने तो इतनी उम्र गंवा दी। अभी उसने पूरी तरह से ये शब्द कहे भी नहीं थे कि वह चरण रज तत्काल मोती हीरे और जवाहरात बनकर छन छन की आवाज करती हुई कमरे के फर्श पर बिखर गई, और वे लड़का यह अद्भुत चमत्कार देखकर चकित रह गया। स्वामी परम जी ने हीरे जवाहरात फर्श से चुनने लगे। उनका विचार था कि श्री महाराज जी के लिए इनकी माला बनाऊंगा। इतने में महाप्रभु ने करवट ली और कहा, ओ परम, ये झट से उठकर खड़े होकर बोले, जी हजूर, इनका स्वप्न समाप्त हो चुका था। अब ये चकित होकर इधर उधर देख रहे थे कि हीरे कहाँ गए। श्री सतगुरु जी अंतर्यामी थे, उनके मन के भावों को जानकर बोले, क्या तुम्हें अब भी कोई शक है? जो मेरे दरबार की निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके फलस्वरूप उसे अनमोल रतन मिलते हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के साथ भी ऐसी ही बीती थी। वे पढ़ लिख कर बहुत बड़े मौलाना बन गए, परंतु जब पूर्ण सतगुरु बाबा फरीद से मिले तो सच्चे दिल से अपने मुर्शिद की खिदमत में दिन रात मस्त रहने लगे। एक बार उनके एक पुराने दोस्त अपना क्या हाल बना लिया, दोस्त मिले और उन्होंने हजरत निजामुद्दीन को फटे पुराने कपड़ों में देखा तो हैरान होकर बोले, तुमने अपना क्या हाल बना लिया?
उन्हें अपने दोस्त की बात सुनकर कुछ निराशा सी हुई, लेकिन जब वे अपने मुर्शिद शेख फरीद की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने पूछा, निजाम कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिले और तुमसे कहे कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया तो तुम उसको क्या जवाब दोगे? इन्होंने अर्ज की कि जो हुक्म होगा जब जवाब दूंगा। बाबा फरीद बोले, एक कटोरी में खाने सजाकर उसे अपने सिर पर रखकर उस दोस्त के पास जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। आपके दोस्त ने जब ये नज़ारा देखा तो रोता हुआ दौड़ा और कहने लगा, तुमने ये क्या किया? आपने सारी बात कह सुनाई। उसने ये सुनकर कहा कि तुम्हारे शेख पीरो मुर्शिद ऐसे हैं कि जिन्होंने तुमको अजीज और हलीमी की उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि जहां दुनिया का कोई भी डर नहीं, मुझे भी उनकी खिदमत में ले चलो। ख्वाजा साहिब वह दोस्त भी बाबा फरीद का मुरीद बन गया। ये संतों की महिमा का बखान आप प्रतिदिन सुनते हैं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये तो आप जाने, लेकिन हम तो निरंतर अपने मालिक की सेवा में इस पाठ को सुना रहे हैं। जिसका मन करे वो सुनता रहे, जिसका मन करे ना सुने, हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं। हम तो अपनी सेवा प्रभु के चरणों में कर रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्रीनगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।